26 जनवरी को यहाँ पे सस्ता मार्केट बैठता है। आज गया था मैं, बहुत ही चीप एंड बेस्ट मार्केट यहाँ पे बैठता है। मतलब जो 1000 रुपए का रेट है वो कम से कम यहाँ पे 500 रुपए, 300 या 500 के अंदर यहाँ पे सामान मिल जाता है। बेट किया ये वाला आया 100 रुपए और रहा नहीं जाता। रेनकोट जो भी 100 रुपए, ये वाला सेम रेनकोट, मतलब एक साथ ड्रेस, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला अपर लोअर दोनों देके 100 रुपए। कौन कुछ सेल हो रहा था 50 रुपए, वो बोला 100 रुपए करके, वो बोला भाई देखो 100 रुपए में कुछ तो वारंटी गारंटी कुछ नहीं दे सकता। बंगाली में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्वण, इसका मतलब है 12 महीने में 13 फेस्टिवल, जो कि सिर्फ कोलकाता में ही पॉसिबल है। क्योंकि एक्चुअली देखो यहाँ पे होता है पूजा, ऐसा नहीं यहाँ पे सरस्वती पूजा नहीं होता है। बाय द वे आज सरस्वती पूजा है, उसके साथ साथ हैप्पी रिपब्लिक डे, एक साथ दोनों फेस्टिवल पड़ गया है। जो कि आज कोलकाता में होता है, तो मतलब हम लोगों का तो जैसे बोल सकते हो कि आज बहुत बड़ा उत्सव है सरस्वती पूजा। मतलब बंगाली लोगों का आज वैलेंटाइंस डे। मैं भी जब डेट करता था तो आज का डेट में मैं भी निकलता था, मैं पीयू दोनों हम लोग निकलते डेट करते थे एक दूसरे को। मतलब एक हम लोगों के पास एक इमोशन होता है सरस्वती पूजा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल पूजा है, बच्चे लोग स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं। लेकिन क्या क्या बोला तूने, पहले क्या बोला चल। लेकिन यहाँ पे उतना खास दिखाई नहीं देता, लेकिन एक चीज यहाँ पे होता है जो की 26 जनवरी को यहाँ पे सस्ता मार्केट बैठता है। आज गया था मैं, बहुत ही चीप एंड बेस्ट मार्केट यहाँ पे बैठता है। मतलब जो 1000 रुपए का रेट है वो कम से कम यहाँ पे 500 रुपए, 300 या 500 के अंदर यहाँ पे सामान मिल जाता है। रहा नहीं जाता। मैं भी एक बार जाऊंगा वहाँ पे, कुछ कुछ घर का सामान खरीदना है, अगर मिल जाता है सस्ते में तो क्यों ना लुफ्त उठाया जाए। वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पंप बाइसेप्स। पूजा है करके घर में हम लोग वेज खाते हैं, जैसे कि एज पर बंगाली का स्टाइल होता है कि वेज खाना पूजा के दिन। आज मैं घर पे बना रहा हूँ कुछ वेज पुलाव। वेज पुलाव बेसिकली देखो बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं उतना अच्छा जो ओरिजिनल उसका स्टाइल है, जो ट्रेडिशन स्टाइल है, मैं बना नहीं सकता। मैं अपना खुद का स्टाइल में उसको बनाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं बना लेता हूं उसको, अगर देखता हूं ठीक ठाक होता है तो मैं आपके साथ ऑब्वियसली मैं शेयर करने वाला हूं। फिलहाल यहां पे ले लिया है तवा वगैरह सब कुछ, जिसमें थोड़ा सा घी डाल के जैसे प्रोसेस होता है वैसे सब कुछ डालूंगा। सिर्फ पानी को जैसे लिमिटेड डालना होता वैसा नहीं, राइस की तरह ही बनाऊंगा, लेकिन अल्टीमेट वो पुलाव ही बनेगा। पुलाव बनाऊंगा मतलब उसके साथ अरे कहना क्या चाहते हो, साइड में एक तो डिश चाहिए होता है, तो साइड में जो डिश रहेगा वो होगा पनीर का। ऑब्वियसली पुलाव के साथ पनीर ही सबसे बेस्ट होता है। दिन बढ़ता है जमाना चेंज होता है। जब हम लोग छोटे थे वो टाइम में हम लोगों को पता है कि सरस्वती पूजा के टाइम हम लोग स्कूल से जाते थे, एक हफ्ता दो हफ्ता पहले कार्ड देना, दूसरा दूसरा स्कूल में जाके कार्ड देना, इनविटेशन देना कि हमारा स्कूल में आओ, हम लोगों का स्कूल में होता है सरस्वती पूजा, आके सेलिब्रेट करो। मतलब स्कूल का टीचर को, दूसरा स्कूल का टीचर को, फिर स्टूडेंट को, सभी को हम लोग इन्विटेशन देते थे। लेकिन आज का डेट में ये सब मतलब बहुत ही मिसिंग लगता है। आज का डेट तो हो गया है पबजी ने तो फ्री फायर का डेट, सब घर में बैठ के अपना फ़ोन में बिजी, कोई ऐसा नहीं कि खेल कूद घूमना ये सब नहीं। लेकिन हम लोग का डेट में हम लोग मतलब स्कूल से निकलेंगे, बाहर घूमेंगे, पार्क पे जाएंगे, ये जाएंगे, कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई ख़राब चीज़ लड़कियों के पीछे कोई नशा वगैरह कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे, फिर स्कूल के अंदर जाएंगे, नया नया स्कूल में जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाई से छूट मिलेगा, सबसे बड़ा थोड़ा सा पढ़ाई से छूट मिलेगा, ये सबसे बड़ा बात था हम लोगों के पास। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरा दोपहर का खाने का प्रिपरेशन हो गया है रेडी, जो कि मैं बोला था पनीर। मैं यहाँ पे पनीर बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बनाया पुलाव। दोनों बनके रेडी हो चुका है, अभी सिर्फ वेट करना है पीयू का आने का। पीयू आएगा तो हम लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरा 3 बजे फिर से पिकअप है, और 3 बजे पिकअप के बाद मेरा कुछ काम नहीं है। तभी आके थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा अपना ब्लॉग के लिए, और शायद से मैं कहीं जा सकता हूँ घूमने के लिए, थोड़ा सा अच्छा वाला कंटेंट बनाने। मैंने देखा है कि मेरा ज़्यादातर मतलब चैनल में जितना भी सब्सक्राइबर है, ज़्यादातर लोग ट्रैवल के लिए ढूंढता है, मतलब ट्रैवल के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल ब्लॉग डालता हूँ उसका व्यूज़ बहुत ही तगड़ा होता है।
मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी धीरे धीरे करके वैसा वाला ही ब्लॉग बनाऊँ, जब भी बनाऊँ ट्रैवल का ही बनाऊँ, नहीं तो नहीं बनाऊँ, ऐसा वाला ही मैं सोचूंगा। या तो कुछ मीनिंगफुल ब्लॉग बनाऊँ, अगर घर में भी बैठा हूँ तो कुछ मीनिंगफुल ब्लॉग बनाऊँ ताकि उन लोगों को कुछ काम आए। भाई मजा आया। अभी धीरे धीरे शॉट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा कि लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था फाइटर प्लेन का जो शो था उसका जो शॉट डाला था कुछ एक घंटे के अंदर 1000 व्यूज़ हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल जो बड़ा वाला जब ओरिजिनल शो हुआ 23 को तब मैं वीडियो डाला उस दिन रात को, लेकिन उसमें उतना व्यूज़ नहीं आया, 16-17 ऐसा व्यूज़ आया। तो मैं समझ गया कि अभी ऑडियंस के पास बहुत ही कम टाइम है, मतलब इतना 10 मिनट 15 मिनट बिता के एक वीडियो देखना वो बहुत ही मतलब ये होना चाहिए तभी जाके देखेगा, और मतलब अभी ज़्यादातर लोगों के पास जो टाइम है 1 मिनट 2 मिनट स्क्रॉल किया देखा स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया ऐसा देखने वाला इंसानों में है अभी सभी, मतलब ज़्यादातर लोग अभी वो रील्स के ऊपर ही चला गया है, नॉर्मल ब्लॉग देखता नहीं। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी नॉर्मल ब्लॉग भी थोड़ा थोड़ा करके रील्स में भी बना दूँ ताकि ऑडियंस मेरा ग्रैब हो जाए। तो हम लोग अभी जस्ट बाहर से आए खरीदारी करके सब कुछ, और ये जो बैग अभी देख रहे हो पीयू के हाथ में, ये बेसिकली ये बैग हम लोगों को मिला 50 रुपये करके, दो बैग 100 रुपये, ये वाला 50 ये वाला 50। उसके साथ मैंने एक बेल्ट ख़रीदा जिसका आया 100 रुपये। वो दुकान में डायरेक्ट बोल रहा था कि आज का दिन के लिए, कल आओगे तो ये 300 रुपये 400 रुपये, लेकिन आज का दिन के लिए सिर्फ 100 रुपये डायरेक्ट बोल के ही बेच रहा था। नो गॉड प्लीज नो नो। और वो बेल्ट लिया, फिर उसके बाद एक चद्दर लिया, फिर मैट लिया, चद्दर हाँ एक चद्दर और मैट लिया जो यहाँ पे रखा है, ये वाला चद्दर और इसके साथ ये वाला मैट, और ये वाला मशीन एक लिया चॉपिंग करने का, ये वाला मशीन बहुत ज़रूरी होता है किचन में, ये वाला मशीन लिया, ये भी 100 रुपये का आया। ये बेल्ट लिया, ये वाला आया 100 रुपये, और एक चीज़ लिया रेनकोट जो भी 100 रुपये, ये वाला सेम रेनकोट मतलब एक साथ ड्रेस मतलब ऊपर वाला नीचे वाला अपर लोअर दोनों देके 100 रुपये, मतलब ये सस्ता मार्केट चीप एंड बेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा देख के लेना होता है, मतलब हम लोग का कोलकाता का फैंसी मार्केट लो भाई देख के लो। ऐसा भी हो रहा था हेडफोन कुछ सेल हो रहा था 50 रुपये, वो बोला सॉरी 100 रुपये करके, वो बोला भाई देखो 100 रुपये में कुछ तो वारंटी गारंटी कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर चल गया तो आपका, नहीं चला तो भी आपका, बोला ले सकता था लेकिन फिर भी अगर कॉर्ड वाला होता मैं एक बार ट्राई लेता, लेकिन वो ब्लूटूथ वाला था तो मैं उसको कोशिश ही नहीं किया, सोचा भी नहीं।